चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन रीड कर लो. द पोटेंशियल एट एट अ पॉइंट एक्स ड्यू टू सम चार्जेस सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाई वी एक्स की वैल्यू दी हुई है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर में कितनी होगी. ठीक है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिलेशन होता है. वी की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 20/(x²-4). ये वैल्यू उठा के रख दो और डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन को. क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 20/(x²-4). ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, माइनस 20. ये 20 को बाहर कर दो, 20 को बाहर कर दो और डी डी एक्स ऑफ (x²-4)^-1 ये कर दें. अब इसको डिफरेंशिएट करें जरा, (x²-4) को डिफरेंशिएट करते हैं. कैसे होगा भाई, -20 -1 इंटू (x²-4)^-1 और जिसको आपने x कंसीडर किया उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है ना, सही किया ना, देख लो एक बार चेक करो. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. चलो इसको आगे करते हैं. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20 ब्रैकेट में और ये नीचे आ जाएगा (x²-4)^2. ये कितना होगा, 2x-0. सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 40x/(x²-4)^2. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में x की वैल्यू आप रख दो 4, यहाँ बोला होगा एट x = 4 माइक्रोमीटर पे. तो लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, 40 × 4 μm / (4²-4)^2. तो ये कितना हो जाएगा, 160/(16−4)/12 ये कितना हो जाएगा, 160/144. 160/144 कितना आना चाहिए, 160/144 कटेगा, किससे कटेगा, 4 से, 4 से काट दिया, क्या ये 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा. 3 × 3 = 6 = 36 ये 4 से कटेगा, और 4 से कटेगा 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर. 10/9 यहाँ भी 10/9 है, यहाँ भी 10/9 है, पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आया है तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है ना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.